स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम दिस इज़ केमिस्ट्री क्लास फॉर ग्रेड ग्रेडेड एंड आई एम यर मिस जेबुनिजा योर केमिस्ट्री टीचर वी आर डूइंग चैप्टर नंबर टू एंड द टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स वी आर डूइंग रदर फोरज एटोमिक मॉडल इन हिज मॉडल ही परफॉर्म टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के एटम में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एंड ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट इन नाइनटीन इलेवन वी हैव डन बिफोर एंड आफ्टर बम्बारमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन अ गोल्ड फाइल ही कंक्लूडेड द रिज़ल्ट एंड द रिज़ल्ट वाज ये मैं आपको पहले भी बता रही हूँ लेकिन क्योंकि कंटिन्यू करना है हमें टॉपिक तो मैं आई एम रिपीटिंग दिस अगेन कि उसने गोल्ड फाइल पर अल्फ़ा पार्टिकल की जो है वो पार्टिकल्स रेज किए जिनके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज था ही नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फाइल ज्यादातर जो उसमें से पास कर गए और फ्लोरेसेंस स्क्रीन यानी जब वो उससे टकराए तो उससे पता कि चला कि ज्यादातर पार्टिकल उसमें से गुजर गए सिर्फ वन ऑफ फ्यू जो हैं वो रिफ्लेक्टेड बैक हुए ग्रेटर दैन एंगल ऑफ नाइन्टी तो उसने ये कंक्लूड किया कि क्योंकि ज़्यादातर जो हैं पार्टिकल उसमें से पास हो गए हैं इसका मतलब है कि ज़्यादातर स्पेस जो है वो एम है और जो डिफ्लेक्शन हुआ है थोड़े से पार्टिकल्स का थ्रू एंगल ग्रेटर देन नाइन्टी ये शो करता है कि ये जो है, पार्टिकल जो हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फ़ोर्स की वजह से बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द पॉजिटिव चार्ज पार्ट ऑफ एटम कि एटम में भी कोई ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और अल्फ़ा पार्टिकल्स पे भी क्योंकि डबल पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों चार्जेस की आपस में रिफ्लेक्शन हुई है जब वो उस पार्ट से टकराए हैं तो इस वजह से वो रिफ्लेक्ट बैक हुई हैं और जो मासिव अल्फा पार्टिकल्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन तो ये इलेक्ट्रॉन की वजह से डिफ्लेक्ट बैक नहीं हुए इन uh, बेसिस के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन ड्रॉन फ्राम दिस एक्सपेरिमेंट अदर फॉर प्रपोज अ न्यू मॉडल उसने एक न्यू मॉडल प्रपोज किया उसने एक प्लेनिटरी मॉडल जैसे कि सिमिलर टू द सोलर सिस्टम उसने प्रपोज़ किया और एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि न्यूट्रल का मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता और मैस ऑफ एन ऐटम इज़ कॉन्सनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज रीजन और जितना भी उसका मैस है वो सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज रीजन पर जो है कॉन्सनट्रेट करता है और उसने उस रीजन का नाम जो आज भी हम जानते हैं दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस क्योंकि न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब जो अल्फा पार्टिकल थे वो न्यूक्लियस से टकराए और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज था अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज था सेंटर में तो वो रिपेल बैक हुए वो वापस आए और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं सर्कल्स में और इन सर्कल्स को कहते हैं ऑर्बिट्स या इन्हें सर्कुलर पाथ भी कहते हैं ऑर्बिट्स भी कहते हैं इन्हें एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं इन्हें शेल्स भी कहते हैं और ये डिवाइडेड होते हैं सब शेज़ में द सेंट्रीपिटल फ़ोर्स ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं गुलाई में घूमते हैं गोल घूमते हैं ऐसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं और ये बैलेंस करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस और एंड अलेक्ट्रॉन अब आपको पता है कि ऑपोजिट चार्जेस में क्या होता है अट्रैक्शन होती है अब इलेक्ट्रॉन में अगर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को तो न्यूक्लियस की तरफ चले जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि जो तेज़ी से घूमते हैं इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स में सेंटिपिटर फोर्स की वजह से वो उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो है बैलेंस कर देती है लेकिन Uh, इस एक्सपेरिमेंट uh, के बाद रदरफोर्ड uh, के एक्सपेरिमेंट में एटॉमिक मॉडल में कुछ डिफेक्ट्स भी थे uh, और वो डिफेक्ट्स क्या थे कि अगर क्लासिकल फिज़िक्स सजेस्ट के जो फिज़िक्स की थ्योरी है कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि चार्ट पार्टिकल हैं विल एमिट एनर्जी कॉन्टीन्यूसली कि वो जो है कॉन्टीन्यूसली जो है मुसलसल एनर्जी इमिट करेंगे जब वो न्यूक्लियस के गर्द घूम रहे होते हैं लेकिन दस द ऑर्बिट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर क्योंकि वो अपनी एनर्जी इमिट हैं तो साथ, साथ उनका ऑर्बिट जो है वो स्मॉलर एंड स्मॉलर छोटे से छोटा हो जाना चाहिए अनटिल इट वुड फॉल इन टू न्यूक्लियस यहाँ तक के वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर ना जाए दिस वोलैब्स द एटामिक स्टक्चर और जिसकी वजह से अटोमिक स्ट्रक्चर जो है वह तबाह होना चाहिए तबाह हो जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता तो डिफेक्ट क्या था कि उसने कहा था कि एनर्जी इमिट करते हैं कंटीन्यूसली तो फिर तो उन्हें इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस में जाके गिरना चाहिए था और इलेक्ट्रॉन सॉरी एटम का स्ट्रक्चर जो है ख़त्म हो जाना चाहिए था और अगर सेकंड डिफेक्ट इज़ इफ़ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स एमिट एनर्जी कॉन्टीन्यूसली अगर वो कंटीन्यूसली एनर्जी इमिट करते हैं इट शुड फॉर्म अ कंटीन्यूस स्पेक्ट्रम तो उन्हें कंटीन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए फोर एंड एटम बट अ लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑपटेन लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम ऑपटेन होता है अब क्वेश्चन इज वट इज स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम होता है बैंड होता है कलर्स का जैसे कि रेनबो में कलर्स होते हैं तो अगर इलेक्ट्रॉन जो हैं कंटिन्यूसली uh, uh, वो लाइट uh, अमीट कर रहे हैं तो कलर जो हैं उनका कलर्स का जो बैंड है वो कंटिन्यूस होना चाहिए उसमें गैप्स नहीं होना चाहिए लेकिन कौन सा स्पेक्ट्रम मिलता है लाइन स्पेक्ट्रम जिसमें के गैप्स होते हैं मैं आपको दोनों स्पेक्ट्रम्स की जो है पिक्चर सेंड करूँगी ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए कि कंटीन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है और लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है स्पेक्ट्रम में लाइट्स जो है लाइट के बैंड जो हैं वो ओवरलैप करते हैं उनमें कोई गैप नहीं आपको नज़र आएगा लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम में जो है गैप्स आपको नजर आएंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली विद द पिक्चर्स मैं आपको जो पिक्चर सेंड करूँगी इस लिंक uh, के साथ आपने वो देखनी है आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि लाइन स्पेक्ट्रम में और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या फ़र्क होता है और स्पेक्ट्रम क्या है उसकी भी डेफिनेशन आपको मैं सेंड करूँगी कि दैट इज अ बैंड ऑफ कलर्स जैसे कि रेनबो के कलर्स होते हैं और डिफरेंट वेव के होते हैं अकॉर्डिंग टू द थ दैट्स ऑल फॉर टूडे यू हैव टू लर्न दिसर फोर डेट्रॉमिक मॉडल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आप इसे बुक पे नहीं लिखेंगे आपने इसको सिर्फ जो है uh, याद करना है जो टॉपिक आपके नोटबुक पे करने होंगे वो मैं आपको साथ साथ जो है वो बताऊंगी uh, और इसके साथ ही मैं आपको यूनिट नंबर वन चैप्टर नंबर वन की सेल्फ असैसमेंट सेंड करूंगी जो आपकी जब आपको नोटबुक्स मिल जाएंगी स्कूल से आप क्लेक्ट कर लें तो आपने वो सब अपनी नोटबुक्स पे करनी है दैट्स ऑल फॉर टुडे अल्लाह हाफिज़